वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन का हम अब लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, जिसमें हमारे छह टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरनली किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आपके 10th बोर्ड में जिस तरह से आपको पूछे जाते हैं उसी तरह से मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो वो छह टाइप्स बारी बारी इसी एक वीडियो में मैं सिखाऊँगा। इसके आगे हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सीखा है, और ये छः सब 9 जो हैं वो आई थिंक ऑलमोस्ट आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये आ जाते हैं। तो इसको रूल्स के साथ कैसे हम सीखेंगे वो मैं इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं बाकी के 6 ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस। ओके, तो ये आपको दिख रहे हैं जो वीडियो में, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से लिख लेना है। जो 6 टाइप के नॉर्मली सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको टोटल मैंने पहले भी बताया उस तरह से ऑलमोस्ट 9 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस आएंगे, जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हमने सीखा है। इसके बाद जो ये 5th, 6th, 7th से आप सीखते आ रहे हो, ये हैं एसर्टिव, यानी कि एक जो स्टेटमेंट देता है, एक कुछ अनाउंस करता है, ऐसा नॉर्मल सेंटेंस होता है। वो नेगेटिव फॉर्म में भी होता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है। फिर है इम्परेटिव, जो कि रिक्वेस्ट करता है, या तो कोई कमांड करता है, या तो कोई विश जो पेश करता है, ऐसा सेंटेंस होता है। उसके बाद है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी कि उसको क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है और जो WH क्वेश्चन से पूछा जाता है, या तो कैन से या मे या तो माइट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग या तो इंटरोगेटिव कहा जाता है। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी, एक्साइटमेंट है, या तो जॉय है, या तो सैड है, या तो जो सोरो है उसकी जो फीलिंग्स होती है, जो फीलिंग्स दिखाता है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और जिस तरह से इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है पीछे, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो पीछे लगता है, एक लंबी सी लाइन होती है और इसके नीचे डॉट होता है। आपको पता है बहुत ही छोटी सी एज में आप ये एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन टैग यानी कि इंटरोगेटिव सीखते आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर उसकी थोड़ी ब्रीफ मैंने देने की कोशिश की है। तो इसके आगे जो है 5th वो मैं आपको बताऊं, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हकारात्मक तरीके से होते हैं, जिस जो सेंटेंस में से नॉट नहीं होता है, या तो नथिंग नहीं होता है, नन नहीं होता, ऐसे सेंटेंस होते हैं। दूसरे होते हैं लास्ट वाले 6th वाले नेगेटिव सेंटेंसेस, जो हमेशा नॉट के साथ या नन के साथ और नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं। तो ये 6 टाइप, और आगे हमने 3 टाइप्स के सीखे हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एसर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये आपके 10th बोर्ड के जो पेपर पैटर्न है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसमें ये 9 टाइप के सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म करने हैं। एक दूसरे के साथ मीन्स जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स थे वो एक दूसरे में होंगे। सिंपल में से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स में से कंपाउंड, या तो कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स में से सिंपल, या तो कंपाउंड में से सिंपल। और यहाँ पे भी जिस तरह से मैं 3 टाइप हैं उसको वैसा वर्षा, यानी कि टोटल 6 टाइप आपको ट्रांसफॉर्म करने होंगे। इट मींस नीचे दिया गया, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, एक तो एफर्मेटिव में से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव बनाना है, और दूसरा होगा नेगेटिव में से एफर्मेटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव बनाना है इस तरह से। तीसरा होगा इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस है उसमें से एसर्टिव, एक स्टेटमेंट टाइप पॉजिटिव सेंटेंस उसमें से बनाना है, जो एफर्मेटिव भी होता है, ठीक है। एसर्टिव में से इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस है उसको क्वेश्चन टैग में चेंज करना। चौथा, 5th है एक्सक्लेमेटरी, जो है उसको एसर्टिव। नॉर्मली इंटरोगेटिव या तो इम्पेरेटिव या तो एक्सक्लेमेटरी है, उसमें से एसर्टिव या तो एफर्मेटिव होता है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से होता है। तो एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव बनाना है,
और एसरेटिव में से एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो एक ही टॉपिक में दो दो आ जाएंगे, यानी कि एफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू एफर्मेटिव, वो एक ही टॉपिक में आएगा। उस तरह से इंट्रोगेटिव टू एसरेटिव और एसरेटिव टू इंट्रोगेटिव, वो भी एक ही टॉपिक में आएगा। और एक्सक्लेमेटरी टू एसरेटिव और एसरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी, वो भी एक ही टॉपिक में आएगा। तो इस वीडियो में हम तीन टॉपिक लेते हैं एक एक सब टॉपिक के साथ। तो इसके एग्जाम्पल और बेसिक रूल्स के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। या देखिए, ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव। एफर्मेटिव आपको पता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें से नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है। जनरली आपको पता है कि नॉट यूज़ होके बनता है, लेकिन उसके जो सब रूल्स होते हैं वो आप 100% याद रखिएगा। क्वेश्चंस में आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, बहुत ही इजीली सिर्फ नोट लगा के जो सेंटेंस हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन भी बनाएंगे, तो देखते हैं किस तरह से कॉम्प्लिकेशन अगर बोर्ड में पूछा जा सकता है। एक पहला एग्जांपल वहां पे दिया गया है, इसका पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा ताकि आपको लिखने में भी आसान रहे। हर एक काम ऐसे ही करिएगा कि एक बार वीडियो पूरा देख के उसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आपकी नोटबुक खुली रख के भी उसको फिर सुनिएगा, ताकि आपके लिए रिवीजन भी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस है आई एम रिच मैन, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक रूल है वो 9 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में सब में वही लागू होगा। सबसे पहला कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई एम अ रिच मैन, आई एम रिच मैन उसका मीनिंग चेंज ना होते हुए, नॉट यूज करते हुए आई एम नॉट पुअर मैन। इसके दो बेसिक रूल्स हैं, देखिए ब्लैक पेन से नीचे लिखे हुए हैं कि एफर्मेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉट यूज होता है। लेकिन सबसे पहला रूल, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और उसमें दूसरा, एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड का ऑपोजिट वर्ड को यूज़ करने के लिए करके हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऊपर देखिए एग्जांपल में, रिच है तो उसका नेगेटिव है पुअर, नॉट भी यूज़ किया और रिच का नेगेटिव पुअर भी यूज़ किया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख के हम ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ही इज़ अ वाइस बॉय, वो बहुत ही अच्छा समझू बच्चा है, तो लड़का है तो उसका नेगेटिव होगा। एक वाइस का हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है और दूसरा नॉट ऐड करना है। देखिए, ही इज नॉट अ फुलिश बॉय, हाँ बॉय का गर्ल नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे गर्ल लिखा है और करेक्ट भी किया है। तो ऑपोजिट वर्ड यानी कि ऑपोजिट जो वर्ब है उसका ऑपोजिट लेना है, नाउन या प्रोनाउन का ऑपोजिट मत लीजिएगा। एक एग्जांपल मैंने इसलिए सेट किया और मैं हंस भी इसलिए रहा हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स मैंने पेपर में देखी हुई हैं कि सर आपने ऑपोजिट बोला था ना, तो बॉय था तो उसका मैंने गर्ल कर दिया, तो यहाँ पे जानबूझ के मैंने गर्ल लिखा और उसको करेक्ट किया है आपको जो दिख रहा है वीडियो में, और फिर बॉय लिखा है तो वो नहीं करना है, बॉय है तो बॉय ही रखना है। लेकिन जो वाइस वर्ब यूज़ हुआ है उसका ऑपोजिट वर्ब यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी इसका सब टॉपिक, नेगेटिव में से एफर्मेटिव कैसे करना है। देखा, बहुत ही इजीली एक टॉपिक हम पूरा करने पे आ गए हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नीचे एग्जांपल दिया गया, राधा इज नॉट अ क्रूअल गर्ल, हाँ तो इसका ऑपोजिट, इसको हम एफर्मेटिव करना है तो हमें नॉट निकालना है और क्रूअल का ऑपोजिट वर्ड डालना है, जो इसका वाइसा वर्सा रूल्स है वो। क्रूअल यानी कि निर्दयी का ऑपोजिट, निर्दयी और उसका ऑपोजिट वर्ड होगा काइंड, दयावान, मायाडू जो होता है गुजराती में हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, राधा इज नॉट निकल जाएगा, इज अ क्रूअल का ऑपोजिट हो जाएगा काइंड गर्ल। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज नॉट एन इंटेलिजेंट लेडी, हाँ तो उसका एफर्मेटिव कैसे होगा, नॉट निकल जाएगा और इंटेलिजेंट का जो है वो ऑपोजिट वर्ड हम लेंगे, सी इज अ डल लेडी। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपका
जो वर्ड बैंक है आपका, जो माइंड में डिक्शनरी है वो होना चाहिए, ताकि बहुत ही इजीली आपको इसके ऑपोजिट्स भी मिल जाएंगे, सिनोनिम्स और ऑपोजिशन आपको करने ही पड़ेंगे, तो बहुत इजीली आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। इसके बेसिक रूल फटाफट मैं पढ़ के जाता हूँ। नेगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले नॉट हो उसे निकालना है, ठीक है? और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए गए वर्ड को, वर्ड का ऑपोजिट वर्ड यूज़ करना होता है, वैसा वर्षा है, ठीक है? इसके और कुछ बेसिक रूल्स हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, इसके आगे की जो स्लाइड में इसके बेसिक रूल्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी, यहाँ पे ओनली है, या तो एज सून है, एज सून एस है, ऐसे जो पर्टिकुलर वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, हर एक लैंग्वेज में अपवाद होता है, स्पेशल केस होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, और याद ही रखिएगा। देखिए, एक एग्जांपल ऊपर दिया गया है। फर्स्ट जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली अ पुअर मैन कैन अंडरस्टैंड दिस, ओनली से शुरू हुआ है वो, तो उसके लिए हमें स्पेशल वर्ड यूज़ करना है, नन बट अ पुअर मैन कैन अंडरस्टैंड दिस। उसके रूल ब्लैक पेन से देख लें, ओनली की जगह पे नन, दोनों अंडरलाइन क्यों हैं ब्लैक पेन से, फिर भी जो एफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या अलोन से शुरू होता है, तो नेगेटिव में ट्रांसफर करने के लिए, या तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ओनली या तो अलोन के बदले नन बट यूज करना है। बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, जिसमें नॉट नहीं लगेगा, जिसमें नॉट नहीं लगेगा, लेकिन नन बट लगेगा। उसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके नीचे ही है, देखिए ब्लैक पेन से जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके नीचे, ओनली ही हैज़ ईट दिस एप्पल, ओनली है उसको हटाइए, उसकी जगह पे नन बट लिखिए, NONE, नन बट ही हैज़ ईट दिस एप्पल। नेगेटिव से एफर्मेटिव में इससे उल्टा होता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, नन बट माई फादर कैन टीच इंग्लिश, उसमें अगर एफर्मेटिव करना है तो नन बट निकाल के ओनली डालना है, बाकी एज इट इज सेंटेंस रहता है, कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं लगाना है, कोई ये जो नॉट, NOT नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी नन बट है, तो नॉट निकालना भी नहीं है, नन बट निकाल रहे हैं हम इसलिए। तो नन बट माई फादर कैन टीच इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस है, उसको एफर्मेटिव में, पॉजिटिव में हम ट्रांसफर करते हैं, तो ओनली माई फादर कैन टीच इंग्लिश, बहुत ही ईजी है। देखिएगा, उसी तरह से ओनली की जैसा ही एज सून एज एक स्पेशल वर्ड है, उसके लिए नो सूनर लगाते हैं। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा टेंस का नॉलेज आपको होना ये टॉपिक के लिए थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, जिसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में टू बी फॉर्म्स भी कहा है, उसका चार्ट भी हमने देखा है, कि जब हम डेमो के लिए आए थे तभी भी हमने उसका चार्ट देखा था, कि जो इज़, एम, आर, वॉज़, वेर, हाँ, हैव, हैज़, हैड जो होते हैं, उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा, इसमें थोड़ा वो होगा, और मेन वर्ब इसमें होगा। तो देखिएगा, एज सून एज एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका एक फॉर्मूला भी ऊपर लिखा है, एज सून एज में और नो सूनर में, उसका फॉर्मूला है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट जो है नाउन या तो प्रोनाउन है वो आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ब, और उसमें दैट ऐड होके जो सेकंड सेंटेंस है वो एज इट इज आएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है जो स्पेशल केस में एज सून एज से शुरू होता है, आगे वाला मत भूलिएगा। हाँ, बहुत बहुत ईजी है, कभी कभी पेपर सेट में ओनली या तो एज सून एज के साथ अगर पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने, या तो मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने ये एक एडिशनली उसमें ऐड किया है, इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, फिर भी आपको ये समझना है। एज सून एज आई हैड रीच द स्टेशन कोमा, सेकंड सेंटेंस इसमें ही है, द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है? उसको एज सून एज निकाल के नो सूनर करना है, नेगेटिव में अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नो सूनर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म्स वो है वो आगे आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो
नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, कॉमा निकल जाएगा उसकी जगह पे, देन आएगा द ट्रेन स्टार्टेड फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें इसमें दोनों में फुल स्टॉप आएगा, दूसरा कोई मार्क नहीं आएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग, एज सून एज निकल के नो सूनर हो जाएगा और रीच्ड जो ईडी है पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए डिड आएगा यहाँ पे, डिड आई रीच, फिर ओरिजिनल वर्ब जो मेन वर्ब है वही आएगा ईडी निकल के क्योंकि हमने डिड आगे लगा दिया है, स्कूल कॉमा निकल जाएगा, देन द बेल रैंग। इसका थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, सॉरी इसके ऑपोजिट हम देखते हैं, अगर नो सूनर से स्टेटमेंट शुरू होता है इट मीन्स वो नेगेटिव है तो उसको किस तरह से हमें अफर्मेटिव करना है। नो सूनर डिड ही कम हियर देन ही स्टार्टेड टू वर्क, ठीक है। इसमें देन लगा हुआ है, नो सूनर लगा हुआ है, डिड बी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो इसका टू बी फॉर्म है उसको कैसे करेंगे, नो सूनर की जगह पे एज सून एज, फिर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा या जो नाउन या तो प्रोनाउन है ही जो पहले आ जाएगा, डिड निकल जाएगा इसलिए कम का केम हो जाएगा। आपको टेंसिस का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, हाँ बच्चों, टेंथ स्टैंडर्ड में बहुत कुछ टेंसिस 12 टेंसिस पे निर्भर है। हियर फिर देन निकल के कोमा आ जाएगा, उसमें कोमा निकाल के हम देन कर रहे थे एफर्मेटिव में से नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में से अगर एफर्मेटिव कर रहे हैं तो कोमा निकल के देन, या सॉरी देन निकल के कोमा लगेगा और पीछे का सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। उसका दूसरा एग्जांपल भी एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नो सूनर हैड ही रीड अ लेटर देन ही स्टार्टेड टू क्राई, तो इसको एफर्मेटिव में हमें चेंज करना है, तो एज सून एज हैड ही था उसका ही हैड करेंगे, नो सूनर की जगह पे एज सून एज ही रीड अ लेटर देन निकल जाएगा उसकी जगह पे कॉमा ही स्टार्टेड टू क्राय। इसको थोड़ा बहुत डीपली, एक यही डिफिकल्ट है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, आगे का टॉपिक लेते हैं। यस, यहाँ पे इंटरोगेटिव टू एसरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव का मीनिंग आपको पता है, इंटरोगेटिव का मीनिंग है क्वेश्चन टेक क्वेश्चन मार्क, और अभी इसको हमें चेंज करना है एसरेटिव यानी कि स्टेटमेंट में पॉजिटिव में हमें चेंज करना है। तो जो इंटरोगेटिव का मीनिंग और जो उसका एसरेटिव का मीनिंग दिया, अभी इसके एग्जांपल के साथ रूल के साथ सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू रिपेयर दिस मशीन, मैंने आपको पहले ही बोला था WH क्वेश्चन से या तो हाउ से या तो कैन मे माइट से जो पूछा जाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, देखिए ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया हुआ है उसको, एसरेटिव में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट सेंटेंस में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब उसमें भी पीछे टू बी फॉर्म उसमें पीछे आ जाएगा और नाउन या तो प्रोनाउन है वो उसमें आगे रहेगा, तो यू कैन नॉट रिपेयर दिस मशीन उसमें नॉट ऐड होगा, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है तो जब उसको हम पॉजिटिव या तो नेगेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट लगाना कंपलसरी है। उसके रूल्स देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव हो तो एसरेटिव सेंटेंस समय बनाने के टाइम पे उसको नॉट लगा के नेगेटिव करना है, अगर क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिवली पूछा गया है तो उसको एसरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस जब बनाएंगे तब उसको नेगेटिव यानी कि नॉट ऐड करके उसको आंसर देना है, और अगर नेगेटिवली पूछा गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिवली नॉट वैसा आंसर नहीं देना है, पॉजिटिव लिखना है ठीक है। दूसरा रूल उसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब है वो शुरू में होगा लेकिन एसरेटिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट पहले आएगा और जो टू बी फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के नाउन के बाद आएगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग को जो निकाल दीजिएगा फुल स्टॉप आएगा क्योंकि हम एसरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, अगर ऐसा किया तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए उसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन किया है देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं,
हैव यू रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क के पीछे अंडरलाइन किया है हैव यू, के नीचे अंडरलाइन किया है, पॉजिटिवली पूछा गया है तो उसमें हम नॉट लगा के एसरेटिव करेंगे नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो प्रोनाउन यू है वो पहले आ जाएगा और हैव जो है टू बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके पीछे आ जाएगा और नॉट ऐड होगा क्योंकि रूल्स ऐसा कहते हैं हमें. यू हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, उसके बाद फुल स्टॉप है, वो कभी भी मत भूलिएगा. बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है. उसके बाद एक और छोटा सा रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो ऊपर भी मैंने बता दिया, यानी कि नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा देना है. ये बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन टैग में और नॉट हो या नॉट ना हो क्वेश्चन टैग में तो वो मिस्टेक करते हैं. तो नॉट है तो निकाल देना है और नहीं है तो लगाना है, बस ये सिंपल है, ठीक है. इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. कैन यू नॉट रिपेयर दिस मशीन, हाँ, या तो कुडंट यू रिपेयर दिस मशीन, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है. तो उसको एसरेटिव में नॉट निकालना है, पॉजिटिव करना है. जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो पहले आएगा यू, और जो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी फॉर्म कैन है वो पीछे आ जाएगा. यू कैन रिपेयर दिस मशीन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग था, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, दोनों के नीचे अंडरलाइन किया है मैंने. दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, डज ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, तो उसमें नॉट निकल जाएगा. ही डज है तो देखिएगा राइट का राइट्स हो जाएगा. देखिए ये टेंसेस का मामला है, थोड़ा यहाँ भी देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर, फुल स्टॉप यहाँ पे मैंने नहीं किया है, वो 100% आपको करना है, नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. देखिए रूल्स में भी मैंने लिखा हुआ है, टेंस के रूल्स के मुताबिक वर्ब और टू बी फॉर्म में, यानी कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी फॉर्म में आपको चेंज करना होता है. आपको ऑल 12 टेंसेस का पता होना चाहिए, हाँ, तो ये बहुत ही कंपलसरी है. टेंसेस का जिसको भी पता नहीं है वो अगर या तो रिफ़र करना है तो मुझे बोलिएगा, मैं उसका चार्ट भी आपको दूंगा, और टेंसेस रिफ़र कर लीजिएगा जिसमें कैसे वर्ब ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे टू बी फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है. दो ही थिंग्स ट्रांसफॉर्म करने से एक टेंस में से दूसरे टेंस में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है और नॉट भी होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होता है और नॉट भी होता है. तो हु हैज़ नॉट सीन नरेंद्र मोदी, क्वेश्चन मार्क है, एवरीवन, तो एवरीवन आ जाएगा, एवरीवन हैज़ सीन नरेंद्र मोदी. हु हैज़ सीन द गॉड, नॉट नहीं है तो नो वन हैज़ सीन द गॉड, नो वन, नो बडी और नन लगेगा. ये रूल क्या कहना चाहता है पता है, वही ऊपर वाला ही रूल है कि जिसमें नॉट नहीं है तो उसमें नॉट लगाना है, और जिसमें नॉट है तो वो नॉट निकाल के उसकी जगह पे एवरीवन, हु है तो एवरीवन, किसी एक के लिए पूछा गया तो सबके लिए आंसर देना है. कौन नहीं जाता, कौन नहीं, किसी ने नहीं देखा है तो सब ने नरेंद्र मोदी को देखा है. और अगर इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं है तो उसकी जगह पे नो वन या नो बडी या नन, याद रखिएगा सिर्फ हु से अगर पूछा गया है तो, हाँ, ये स्पेशल केस में है, हर एक में एक एक छोटा सा स्पेशल केस होगा जिसको आपको याद रखना है, हाँ. तो इसको बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने, आपके पेरेंट्स जब भी मेरे पास आते हैं तब मुझे बताते भी हैं कि सर आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. ये थोड़े 9 हैं, एक दूसरे में मिस ना हो जाएं, मिक्स ना हो जाएं, ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. सबके रूल्स इंडिपेंडेंट है और बहुत ही सिंपल रूल्स है. तो हम इसका ऑपोजिट भी अभी नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे. यस, एसरेटिव टू इंटरोगेटिव, एकदम उल्टे रूल्स इसके. सिर्फ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप है,
कैन भी है नॉट भी है, तो उसके क्वेश्चन टैग अगर करेंगे तो नॉट है तो वो नॉट निकल जाएगा, कैन डू बी टू बी फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट एसरेटिव में स्टार्टिंग में है यू जो प्रोनाउन वो पीछे जाएगा, यानी कि कैन यू स्पीक इंग्लिश फुल स्टॉप है एसरेटिव में, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा मत, अगर ये मार्क नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू हैव नॉट डन योर वर्क, फुल स्टॉप है नॉट है तो नीचे इंटरोगेटिव में नॉट नहीं लगाना है, उसका ऑपोजिट करना है, हैव जो है वो पहले आ जाएगा, यू उसके बाद में, हैव यू डन योर वर्क उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसके नीचे मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। तीसरा उल्टा एकदम रूल्स है वो समझ के हम तीसरा एग्जांपल लेंगे, यू हैड स्टॉलन माय पेन, हैड यू ऊपर नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट ऐड किया है, देखिए हैड यू नॉट स्टॉलन माय पेन क्वेश्चन मार्क, हाँ यू हैड का हैड यू हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे नो वन कैन डू दिस वर्क, नो वन कभी होता है याद करिए जब especially who होता है, तो interrogative हमें who से बनाना है, no one या तो nobody या तो none अगर होता है तो हमें interrogative जो है वो who से बनाना है, who can do this work बहुत ही simple है, no one निकाल के सिर्फ उसकी जगह पे who आ जाएगा, और last में फिर से एक बार बोल रहा हूँ interrogative जब बनाएंगे तब question mark लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है, क्वेश्चन मार्क ही करना है लिखना है तो ही मार्क्स मिलेंगे। एसरेटिव सेंटेंस का और एग्जांपल, एवरीवन नोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें एवरीवन वाला भी हमने एक लिया था उसका उल्टा रूल यहाँ पे करना है, हु होता है तो एवरीवन होता है, अभी यहाँ पे एवरीवन है तो हु ऐड करना है, हु डज नॉट और नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, ऊपर नॉट नहीं है एसरेटिव सेंटेंस में तो इंट्रोगेशन में इंट्रोगेटिव में नॉट लगाना है, हु डज नॉट क्योंकि ऊपर नोज है, हाँ तो वो प्रेजेंट टेंस का नोज है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पे आपको सिर्फ नो करना है और आगे डज लगेगा, हु डज नॉट नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा। आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम, नो वन फिर से एक बार नो वन का आया, कैन फॉरगेट दोज डेज, नो वन है इसलिए डायरेक्टली हु लगेगा, हु कैन फॉरगेट दोज डेज क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो ये था इंट्रोगेटिव में से एसरेटिव और एसरेटिव में से इंट्रोगेटिव, दोनों एकदम ऑपोजिट एक दूसरे के करके हम ये समझने की कोशिश हमने की है। अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एक लास्ट टॉपिक जो है वो आने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये देखना है, आप बहुत ही अच्छी तरह से ये सब लिख रहे होंगे मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो अब देखते हैं दूसरी स्लाइड, यस इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू एसरेटिव, एक्सक्लेमेटरी यानी कि जो फीलिंग्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें से एसरेटिव नॉर्मल स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, वीडियो में आगे हमने देखा था जहाँ पे नॉट नहीं है वहाँ पे नॉट लगाना है और जहाँ पे नॉट है उसको नॉट को हटा देना है। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्सक्लेमेटरी जो उद्गार जो फीलिंग्स वाले हैं जो जॉय से भी हो सकता है, हाँ जो सैड भी हो सकता है, सोरो वाले भी फीलिंग्स हो सकते हैं, ओवर जॉय वाले भी हो सकते हैं, उसको जॉय सोरो वंडर कंटेम्प्ट जो फीलिंग्स दिखाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है, और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एसरेटिव में से, उसके सिवा कुछ पूछा नहीं जाएगा टेंथ में, तो ये हमने यहाँ पे रखा है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे इंटरोगेटिव में क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन टैग कंपलसरी होता था, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, एक लंबी सी लाइन होती है खड़ी वाली
और उसके नीचे एक डॉट होता है, मैंने वीडियो में दिखाया भी है, देखिए आपको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कोमा में दिखाया, ठीक है। इसका रूल क्या है, व्हाट या तो हाउ से वो शुरू होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होता है या हाउ होता है, या तो वाव होता है, आहा होता है, ऐसे शुरू होता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है। उसको एसरेटिव में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला रेड पेन से लिखा है, देखिए मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इसमें ऐड करने होते हैं वेरी ग्रेट बिग वंडरफुल प्लस अदर वर्ब्स, जो लास्ट में है वो डाल देना है, कहाँ कहाँ पे वेरी कहाँ पे ग्रेट होता है वो मैं आपको आगे इसमें ही यही स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी का एक एग्जाम्पल है, व्हाट से शुरू होता है, व्हाट अ डिलीशियस डिश इट इज, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देखिएगा डिश है, नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट लगा हुआ है प्रोनाउन, तो इट से ही शुरू करेंगे हम, इट इज वेरी, सी यहाँ पे हमने वेरी लगाया, एडजेक्टिव अगर होता है ब्लैक पेन से देखिए अंडरलाइन किया और ऊपर लिखा है डिलीशियस, जो डिश है उसके लिए एडजेक्टिव लगाया हुआ है, हाँ वेरी डिलीशियस डिश, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क निकल जाएगा और फुल स्टॉप आएगा, उसके नीचे भी मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है, एक रेड पेन से नॉट है वो देख लेते हैं क्या है, व्हाट या तो हाउ प्लस एडजेक्टिव हो तो वेरी लगता है, मैंने आपको बताया था कि वेरी ग्रेट बिग वंडरफुल कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे एक रूल आ गया रेड पेन से कि व्हाट या तो हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव हो तो वेरी लगेगा, हाँ व्हाट या तो हाउ प्लस नाउन हो तो ग्रेट बिग या तो वंडर या तो वंडरफुल, ये हम यूज़ करेंगे, देखिए दोनों रूल्स हैं, दो रूल हैं, व्हाट या तो हाउ के साथ एडजेक्टिव हो तो और सिर्फ तो ही वेरी लगेगा, अदरवाइज व्हाट या तो हाउ के साथ नाउन है अगर तो ग्रेट लगेगा, उसका एक एग्जांपल हमने देखा कि एडजेक्टिव है डिलीशियस वहाँ पे वेरी लगा है, अभी नाउन या तो प्रोनाउन वाला एक एग्जांपल देखते हैं आप, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी है, व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट ए फूल ही इज, देखिएगा नाउन और प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, तो ही इज अ ग्रेट फूल, ऊपर एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स था, यहाँ पे एसरेटिव में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो इसके नीचे भी अंडरलाइन है, कभी कभी सब्जेक्ट या इट मींस नाउन या तो वर्ब दोनों नहीं होते हैं, ऐसे भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं, देखिएगा हमें बहुत जॉय हो जाता है तो हम पूरा सेंटेंस कभी कभी बोलते भी नहीं हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, सौरों में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं तो भी पूरा सेंटेंस नहीं होता था, एक्सक्लेमेटरी ऐसे भी होते हैं, तो देखिएगा एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ मैन एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, मैन जो नाउन है तो वेरी 100% यूज़ करेंगे, ही इज़ अ ग्रेट मैन, हाँ ग्रेट यहाँ पे कैसे यूज़ किया है, तो ऊपर रूल्स बताते हैं कि अगर नाउन या तो प्रोनाउन है तो ग्रेट यूज़ करना है, बिग यूज़ करना है या वंडर यूज़ करना है, और अगर उनकी जगह पे एडजेक्टिव है तो ही वेरी यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैन जो है वो नाउन है इसलिए ग्रेट यूज़ किया है, वेरी नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिएगा ही इज़ अ ग्रेट मैन ही यूज़ करें, क्योंकि मैन है हमारी ओर से इसको हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसमें नाउन या प्रोनाउन कुछ नहीं है, मैन हम समझ सकते हैं कि वो एक टाइप का प्रोनाउन है, नाउन है, एक टाइप है, ठीक है, तो मैन है इसलिए वो मेल होगा, तो मेल के लिए जनरली हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अ बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हमने मैन था तो ही यूज़ किया था, लिविंग थिंग था तो, अभी बिल्डिंग जो नॉन लिविंग थिंग है तो इट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो है वो नाउन नहीं है तो इट इज़ अ बिग बिल्डिंग, तो इट आएगा नॉन लिविंग थिंग है इसलिए, और बिग ग्रेट या तो वंडर हम एडजेक्टिव होता है तो यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग होता है तो यूज़ करते हैं, यहाँ पे
बहुत ही स्मूथली मैंने रूल्स आपको सिखा के एग्जांपल देके ब्लैक या तो रेड या ब्लू पेन यूज़ करके अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश की है। थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। एक इतना लेंदी वीडियो मैंने इसीलिए लिया है कि एक साथ सब आपको मैं समझा सकूं और बहुत ही अच्छी तरह से ये तीन और इसके सब टॉपिक उसके ऑपोजिट यानी कि ये छः ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सेंटेंसेस एक साथ हमने लिए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से नोटबुक में लिखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे बच्चे बहुत कुछ बच्चे इस तरह से अलग अलग पेन से भी लिखते हैं। देखा स्टूडेंट्स आपने कितनी इजी तरीके से और कितनी स्मूथली हमने बहुत ही आराम से हमने सीखा कि एक सेंटेंस में से दूसरा टाइप के सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं उसके ध्यान रखिएगा। आपने एग्ज़ाम के टाइम पे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वही छोटे छोटे रूल्स में मिस्टेक की थी तो इसको बहुत अच्छी तरह से नोटबुक में लिखिएगा और जब भी वीडियो देखें रिविज़न करें तब नोटबुक में लिखने की 100% मेहनत करिएगा तो ही आपको ये रूल्स याद रहेंगे। अदरवाइज छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी ना तो ये ग्रामर एक मार्क्स का एक टॉपिक है जो एक मिस्टेक के बावजूद एक एक हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा तो हमें ये नहीं करना है। पूरे 16 मार्क्स लेने हैं तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए जब तक दूसरा वीडियो आपका नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच और लिख के प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।